हाय गाइस, यू आर वेलकम। आई एम महेश यादव। गाइस, इंग्लिश से परेशान सभी पेशेंट्स को मैंने चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर वन, स्टूडेंट्स। जी हाँ, किसी भी क्लास के हों, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, कैसा भी स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश से बड़े परेशान रहते हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें कि बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को तो इंग्लिश को कैसे पढ़ें कि बस पास हो जाएं। नंबर टू पर आते हैं, स्पोकन इंग्लिश बोलने की इच्छा रखने वाले लोग। जी हाँ, इंग्लिश को फर्राटे से फ्लुएंटली कैसे बोलें कि हम किसी भी इंटरव्यू को आसानी से फेस कर सकें, या फिर जिस माहौल में, जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहाँ पर आसानी से एडजस्ट हो सकें, या फिर इंग्लिश की वजह से हमारा प्रमोशन अटका हुआ है, अगर हम इंग्लिश बोलना सीख जाएं तो हमारा प्रमोशन हो जाए। और नंबर थर्ड पर आते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, उनके लिए इंग्लिश सबसे बड़ा सिरदर्द है। जी हाँ, आपको पता है कि किसी भी कंपटीशन में इंग्लिश बहुत टफ आती है, तो कैसे पढ़ें कि वो एग्जाम क्रैक हो जाए। और नंबर फोर पर आते हैं, बस शौकिया तौर पर अपना स्टेटस दिखाने के लिए बस थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखने की इच्छा रखने वाले लोग। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, सभी कैटेगरी के लिए मैं इसमें कुछ सीक्रेट्स रिवील करूंगा जिनसे आपको इंग्लिश सीखने का एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। जी हाँ, इस वीडियो में आपको सिर्फ पानी नहीं, प्यास भी मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैथ है, साइंस है, बायोलॉजी है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और आपको पता होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए चार स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। नंबर वन होता है लिसनिंग यानी सुनना। नंबर टू होता है स्पीकिंग यानी बोलना। नंबर थ्री होता है रीडिंग यानी पढ़ना। और नंबर फोर्थ होता है राइटिंग यानी लिखना। अगर आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हो या चारों में से गुजरते हो तो आप किसी भी लैंग्वेज को परफेक्टली सीख जाते हो। पर हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखेंगे कि किस कैटेगरी को कौन सी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें। हमारा नंबर वन आता है स्टूडेंट्स। जी हाँ, स्टूडेंट्स के लिए लिसनिंग और स्पीकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके लिए टू स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। अब होता क्या है, हमारे यहाँ पर रीडिंग भी टीचर करते हैं और राइटिंग भी टीचर करते हैं। जी हाँ, क्लास में कोई भी चैप्टर है तो टीचर आके उसको एक्सप्लेन करता है, उसको बोलता है, पढ़ाता है, बच्चे सिर्फ सुनते रहते हैं, और सुनने में मिक्स चलता है हिंदी और इंग्लिश दोनों का, इसलिए वहाँ पर सब बेकार हो जाता है। दूसरी बात, कोई भी जब आंसर है तो उसको टीचर ही बोर्ड पर लिखते हैं, बच्चे उसको उतार लेते हैं और बस फिर रट्टा मारने में लगे रहते हैं। तो जब तक ये दो प्रोसेस, मतलब स्टूडेंट को क्या करना है, स्टूडेंट को जाकर के पेपर रीडिंग करना है और आंसर शीट में राइटिंग करना है, तो ये दोनों ही प्रोसेस बच्चा खुद नहीं करता, वो सिर्फ टीचर को फॉलो करता है, और यहीं पर हमारी इंग्लिश वीक रह जाती है। मैं सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप खुद ही चीज़ों को रीड भी करें और आप खुद ही चीज़ों को राइट भी करें, आप जितना सीखें उसको अप्लाई करना शुरू कर दें। जी हाँ, जब तक आप खुद रीड नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन पेपर को रीड नहीं कर सकते हो, और जब तक आप खुद की लैंग्वेज में राइट नहीं करोगे, नहीं लिखोगे, तब तक आप अच्छे से पेपर में राइटिंग नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। जी, आप कितना रटोगे, आप चीज़ों को सिर्फ कुछ चीज़ों को रट लेते हो तो वहाँ पे आपकी समझ, जिसे कंसिड्रेशन बोलते हैं, वो गायब हो जाती है। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसके प्रति आपके दिमाग में भले ही आपने इसको स्पीक नहीं किया हो, लेकिन थोड़ी सी कंसिड्रेशन तभी, थोड़ी सी समझ तभी पैदा होती है जब आप खुद रीडिंग करते हो और खुद राइटिंग करते हो। मैं स्टूडेंट्स को साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि आप कितना भी घर से रट के चले जाएं, आप कॉपी में कुछ भी लिखें, लेकिन ध्यान रखना, एग्जामिनर आपके आंसर्स को नहीं, आपकी इंग्लिश को जज करता है, आपकी इंग्लिश को चेक करता है कि बच्चा कितनी इंग्लिश सीखा, और उसे आप छुपा नहीं सकते, वो पकड़ में आ जाएगी। अगर आपका रीडिंग एक्सपीरियंस है, आपके पास राइटिंग का एक्सपीरियंस है, तो ध्यान रखना पेपर कैसा भी आए आप उसे अच्छे से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, रीडिंग एंड राइटिंग आपको ये करनी ही पड़ेगी। और हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनर आपकी इंग्लिश को मार्क्स देता है, यानी आपकी इंग्लिश कितनी ग्रो है, कितनी इंप्रूव है, आप कितनी परसेंट इंग्लिश जानते हो, उसी परसेंट में आपकी कॉपी में मार्क्स आते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश बोलने की इच्छा रखने वाले लोग। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बहुत सारे काम अटके हुए हैं इंग्लिश नहीं बोलने के कारण। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने इंग्लिश के चार स्टेप्स बताए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उनको नीचे के दो, रीडिंग एंड राइटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको ऊपर फर्स्ट के दो सबसे जरूरी हैं, और उन्हीं से काम उनका चलने वाला है, यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग।
तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देते हैं कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, आप इंग्लिश मूवी देखिए, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, पर मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं कि इंग्लिश वहीं बोली जा सकती है जहां पे एनवायरमेंट हो, माहौल हो। आप एक बात बताइए, आपके आसपास कोई भी इंग्लिश बोलने वाला या समझने वाला या सुनने वाला व्यक्ति नहीं है, आप एक ऐसे माहौल में रहकर कभी भी अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते हो। जी हाँ, अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आपको निश्चित ही एक ऐसे एटमॉस्फेयर में, एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे एनवायरमेंट में रहना ही पड़ेगा जहां पर इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश सुनने वाले लोग रहते हों। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी है, गांव से गया है, कुछ दिन उस माहौल में रहकर के वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, कोई भी हीरो है, कोई भी एक्ट्रेस है, उस माहौल में रहते हुए वो लगातार इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। इंग्लिश बोलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको एक ऐसे माहौल की तलाश करनी पड़ेगी, उसके लिए आप कुछ भी कीजिए। मैं कह रहा हूँ इससे आसान कोई तरीका है नहीं। अब आप मुझसे कह सकते हो कि ये तो असंभव है, असंभव है, तो फिर आप और जो रास्ते हैं वो आप उनमें बरसों तक घूमते रहना, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट ये दोनों चीज़ होती है। वहां पर आप सुन रहे होते हो और वहां पर आप नकल करके बोल रहे होते हो। ध्यान रखना, कोई भी लैंग्वेज इमिटेटिंग यानी नकल से आती है। कोई भी बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो नकल करके ही किसी लैंग्वेज को सीखता है। पहले वो सुनता है, फिर वैसी नकल करके बोलता है, और वहां पर उस एटमॉस्फेयर में ये दोनों ही चीजें आसानी से हो जाती हैं। अब हमारा नंबर थर्ड आता है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट। तो जी हाँ, इनके लिए सबसे, अगर मैं बात बताऊं आपको मन की, तो सबसे ज्यादा परेशान, सबसे बड़े विकट पेशेंट यही है। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में जो इंग्लिश है, कंपटीशन एग्जाम में जो इंग्लिश है वो बहुत ही टफ आती है। तो उनके लिए मैं बस यही एडवाइस दूंगा कि आपको एक एक करके इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स पर विजय पानी होगी, सभी को हराना होगा, क्योंकि जो एरर्स आते हैं वो एरर्स कहीं से भी निकल सकते हैं। तो जब तक आपके सारे ग्रामर के टॉपिक्स पर आपकी पकड़ नहीं है, कमांड नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक टॉपिक पर फोकस कर रहे हो, ध्यान रखना किसी भी सेंटेंस में सारे टॉपिक्स मिक्स होते हैं। उसमें नाउन होता है, उसमें एडजेक्टिव होता है, कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो सकता है, कोई पैसिव वॉइस का हो सकता है। प्लस एक सेंटेंस जब आपके सामने आया ना, तो पूरी ग्रामर को उठा के हमारे सामने ला रहा है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि बारीकी से आपको एक एक टॉपिक का अध्ययन करते चलना है। और सबसे बड़ी बात, जितने ज़्यादा एक्सरसाइज हल कर सको आप, जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल को हल कर सको उतने कीजिए। बहुत सारी बुक्स खरीदिए, खो जाइए, डूब जाइए उसमें, और धीरे धीरे कहीं आपको लगने लगेगा कि अब इंग्लिश हमारी सरल हो रही है। क्योंकि देखिए, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, आपके अंदर जब बहुत इंग्लिश आप पढ़ते हो ना, तो इंग्लिश आपके अंदर एक समझ पैदा करती है, वो एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के लिए आपके दिमाग में एक समझ पैदा होती है, और उस समझ तक पहुंचने के लिए आपको एक सफर तय करना ही पड़ेगा। यानी आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल से निकलना पड़ेगा, बहुत राइटिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीज हो सकती है। और हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लें, वोकैबुलरी इज द मस्ट। उनको अपना शब्दकोश बढ़ाना ही होगा, बहुत सारी चीजें उनको सीखनी होंगी, तब जाकर के वो चीजें हो पाएंगी। और अब हमारे लास्ट आते हैं नंबर चार वाले, शौकिया तौर पर थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख जाने वाले लोग, जैसे कि मेरी इस वीडियो पर भी आ गए होंगे कि चलो ये कुछ कोई गहरा राज बता रहा है, तो चलो इससे कुछ गहरे कुछ सीख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको एक बहुत शानदार बात बता रहा हूं अंत में। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है एक थ्रस्ट, एक प्यास। वो प्यास जितनी मात्रा में है ना, उतनी मात्रा में आप इंग्लिश सीख पाओगे, ना कम ना ज्यादा। सपोज करो मैं आपको, दो व्यक्ति हैं, दोनों को दो ग्लास अलग अलग पानी सर्व करता हूं, उनमें से एक व्यक्ति ने पूरा ग्लास पानी पी लिया और दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ मात्र दो घूंट पानी पिया। तो उसने पूरा ग्लास क्यों पिया, उसने दो घूंट पानी क्यों पिया? आप भी कहोगे सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो, उसको प्यास लगी थी उसने पी लिया, उसको प्यास नहीं थी। हो सकता है कि उसको प्यास बिल्कुल ना हो, दो घूंट तो ऐसे पी लिया हो, हाँ यार इसने सर्व किया पी लेते हैं। तो ध्यान रखना, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर थ्रस्ट। अब ये प्यास कहां से आए? तो ध्यान रखना, प्यास तो आ जाएगी, आप चल तो पढ़ो, आप थोड़ा चलो तो सही। जब आप चीजों में गुजरोगे ना, तो चीजें आपको रास्ता बताएंगी कि ये आपने, मतलब देखिए खेल सा बन जाता है, हम एक चीज में उलझ जाते हैं, फिर उलझना सुलझना ऑटोमेटिक एक प्यास आपके अंदर आ जाएगी। पर ऐसे तो नहीं आएगी कि इस वीडियो को क्लिक किया, चलो ये कुछ दे रहा है, यहाँ से कुछ ले लेते हैं, कुछ वहां से ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। आपको चलना ही पड़ेगा,
तो जब आप चलोगे ना तो वो प्यास आपके अंदर आती है। एक्चुअली लोग बहाना बनाने में माहिर हैं, दो कदम चले नहीं, मुझसे नहीं होगा, या ये नहीं सिखा पा रहा है, या ये, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब चलोगे ना अंदर, आप गुजरोगे, आप पास होगे, तो धीरे धीरे आप पाओगे कि हाँ अब मेरे सामने चीजें या धुंधली तस्वीरें साफ हो रही हैं। फिर एक और धुंधली तस्वीर आ जाएगी, आप उसको साफ करोगे, फिर एक और आ जाएगी। धीरे धीरे आपका मजा, आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, आपकी प्यास बढ़ती चली जाएगी और वो आपको उस लेवल पर पहुंचा देगी। तो ध्यान रखना, जो शौकिया तौर पर थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, उनके लिए तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि वो वही बात है कि बस वो एक दो घूट पानी यहाँ से पिए, एक दो घूट यहाँ से, मतलब अंदर प्यास नहीं है। सपोज करो एक घर में आग लगी है, कहीं भी आग लगी है, वो बहुत ज्यादा आग है, आप सिर्फ एक बाल्टी पानी उस पर डालते हो तो क्या बुझ जाएगी? नहीं, जितनी आग है आपको उतना ही पानी डालना पड़ेगा, तब जाकर वो आग बुझेगी, अन्यथा नहीं बुझेगी। थोड़ी आग है, थोड़े पानी से बुझ जाएगी। तो आपकी आग कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी आपकी आग है ना, आप उतना ही ज्यादा पानी, उतनी ही ज्यादा इंग्लिश आपके अंदर जाएगी। तो ध्यान रख, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूं कि आपको कुछ ना कुछ तो मिला होगा यार, कहीं ना कहीं से कोई पॉइंट तो आपको क्लिक किया होगा। अगर कहीं भी कोई पॉइंट क्लिक किया ना, तो आज ही शुरू हो जाइए और चलना शुरू कर दीजिए। आपको सिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत सारी बुक्स हैं जो आपका वेट कर रही हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, बस आपको चलना है। चलोगे ना तो प्यास भी आ जाएगी, ध्यान रखना, नहीं चलोगे तो प्यास नहीं आएगी। इस दुनिया का कोई भी इंसान आपके अंदर प्यास पैदा नहीं कर सकता। एक बात बताइए, क्या कोई व्यक्ति बैठा है अपने रूम में, उसको बैठे बैठे प्यास लगेगी? नहीं, प्यास कब लगेगी? जब वो चलेगा, चलेगा तो उसकी एनर्जी बर्न होगी, तभी तो उसको प्यास लगेगी ना। तो वही फॉर्मूला है, आप चल पड़िए, आपके अंदर प्यास आ जाएगी और आप सीख जाओगे। बस ये चार जो मैंने आपको बताए थे, इनमें से जो आपको जो चीज चाहिए, बस आप उसको फॉलो कीजिए और चलते रहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।